युवक का शराब पीने को लेकर पत्नी से हुआ झगड़ा। शराब पीने के बाद युवक बना शोले फिल्म का वीरू, चढ़ गया पानी की टंकी पर। नीचे उतरा तो खुद को धर्मेंद्र, अपनी पत्नी को हेमा मालिनी बताने लगा। अलीगढ़ में आज एक युवक शराब पीने के बाद शोले फिल्म का वीरू बन गया और पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक का शराब पीने को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वह पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक को काफ़ी दिनों से शराब नहीं मिली थी। आज उसने शराब का जब सेवन किया तो पत्नी से घर में विवाद हो गया। इसके बाद युवक घर से निकल के पानी की टंकी पर जा चढ़ा। काफ़ी देर तक वहां ड्रामा होता रहा। सूचना पर पुलिस चौकी इंचार्ज अरविंद व पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी पहुंच गए। युवक काफ़ी देर तक ड्रामा करता रहा। उसको समझाने के लिए उसकी पत्नी व बच्चों को भी बुलाया गया। जब वह नीचे उतरा तो खुद को धर्मेंद्र बताते हुए अपनी पत्नी को हेमा मालिनी बताने लगा और कहा कि मेरा पत्नी भी केरल की है और हेमा मालिनी भी केरल की। धर्मेंद्र अगर उनके लिए टंकी पर चढ़ सकते हैं तो मैं अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं चढ़ सकता। काफ़ी देर तक समझाने बुझाने के बाद युवक को पानी की टंकी से उतारा गया, तब जाकर लोगों को सांस में सांस आई। दरअसल बन्ना देवी क्षेत्र के घुड़िया बाग में आज शाम को सराय लवरिया का रहने वाला शशि नाम का एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पुलिस भी पहुँच गई और युवक को समझाने बुझाने लगी, लेकिन युवक उतरने के लिए तैयार नहीं था। मौके पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी पहुँच गए। उन्होंने भी काफ़ी देर तक युवक को समझाने बुझाने की कोशिश की। उसके बाद युवक की पत्नी को भी मौके पर बुलाया गया। उसने भी काफ़ी देर तक, दोनों बच्चों ने भी अपने बाप को समझाने की कोशिश की। युवक को पत्नी का भी हवाला दिया कि तेरे को इतनी अच्छी पत्नी मिली है, उसके लिए तो नीचे उतरा। बच्चों का भी हवाला दिया कि बच्चों के लिए नहीं नीचे उतरा, जिसके बाद युवक नीचे उतरने को तैयार हुआ। युवक के नीचे उतरने के बाद जब उससे पूछा गया कि वह पानी की टंकी पर क्यों चढ़ा, तो उसने बताया कि शराब पीकर चढ़ गया था, मुझे शराब मिली और शराब ले आया और फिर उसके बाद पानी की टंकी पर चढ़ गया। मुझे कई दिनों से शराब नहीं मिली थी, कई दिनों से चरस, गांजा, शराब कुछ नहीं मिला था। आज शराब मिलने के बाद मैं टंकी पर चढ़ गया। घरवाली का नाम मेरी हेमलता है। उसका जन्म केरल में हुआ था और केरल में भी हेमा मालिनी का जन्म हुआ था। मेरी पत्नी का नाम भी हेमलता है, दोनों का नाम मिलता है। धर्मेंद्र भी एक बार शोले फिल्म में टंकी पर चढ़ गए थे, तो मैं भी तो धर्मेंद्र हूँ। मुझे बुआ शकुंतला भारती और चौकी इंचार्ज अरविंद भैया ने बचा लिया। उसके बाद युवक पूर्व मेयर शकुंतला भारती के पैरों में पड़ गए। पूर्व मेयर शकुंतला भारती से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि युवक नशे का आदि है और नशा करता है, पत्नी से झगड़ कर चढ़ गया। उसके बाद बोले, मेरी हेमा मालिनी को बुलाओ पहले। फिर पत्नी को बुलाया गया, तब पत्नी ने उसको समझाया तो बड़े मुश्किल से भी ऊपर से ही उतरा है। सर क्या मामला है भैया? मामला क्या है कि चढ़ गई तो चढ़ गई पानी की टंकी पे। क्या रहा है यहाँ, वजह क्या रही है? भाई वजह यही रही कि नशा का आदि है और नशा करता है ये, और पी करके और ये चढ़ गया और पत्नी से झगड़ा कर बैठा। जब पत्नी से झगड़ा कर बैठा तो मेरी हेमा मालिनी को बुलाओ पहले, फिर उनको बुलाना पड़ा पत्नी को। पत्नी को बुला करके तब बड़ी मुश्किल से ऊपर से। युवक की पत्नी हेमलता ने बताया कि यह नशा करते हैं और कुछ नहीं। नशा करने की मैंने मना की थी, इतना पता नहीं था कि यह पानी की टंकी पर कब चढ़ गए। मुझे तो किसी ने सूचना दी कि यह पानी की टंकी पर चढ़ गए हैं, तब मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने सोचा मेरे कहने पर नीचे आ जाए, तो मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ। हेमलता जी, क्या मामला हुआ ये आपके पतली टंकी पर? नशा की आपने मना की थी?
इसीलिए चढ़े हैं ये? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। फिर मुझे तो पता भी नहीं है कब चढ़े, क्या है क्या नहीं, कहाँ नहीं, मुझे पता नहीं। क्या सूचना मिली आपको? दिन सात दिन नहीं आते। सूचना क्या मिली? भैया ने कहा था, एक नहीं यहीं के भैया ने कहा था कि भाभी जी किसी भैया सुबह उसको चढ़ गए, आप चलो, आप बुला रहे चले आए, चलो और मेरे कहने से आप वही। चौकी इंचार्ज अरविंद ने बताया कि सराय लवरिया का रहने वाला शशि नाम का युवक घर में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहा था, पानी की टंकी पर चढ़ गया और अपनी पत्नी को बुलाने की जिद करने लगा। उसको बुलाया गया, किसी बात को लेकर इन दोनों में विवाद हो गया था। उसने बताया कि शराब नहीं मिली इसलिए वह परेशान था और आज पानी की टंकी पर चढ़ गया। घर में भी इस बात पर लड़ाई हुई थी, उसको उतार दिया गया है, वह नशे की हालत में है। अधिकारियों को इस बात की सूचना दे दी गई है और उसके साथ ही उसे परिवार के साथ भेज दिया गया है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। रविंद्र जी, एक युवक टंकी पर चढ़ा हुआ था, मामला क्या था? ये मामला ये रहा, ये शशि नाम का लड़का है जो सराय लवरिया का रहने वाला है और पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा हो गया होगा किसी बात को लेकर। तो आपने देखा ही होगा टंकी के ऊपर चढ़ा हुआ था, बार बार अपनी घरवाली को बुलाने के लिए बोल रहा था। उसकी पत्नी को बुलाया गया और बुलाने के बाद वो समस्या देखी गई क्या है, हो सकता है किसी बात को लेके विवाद हो घर में। तो बताया गया ये है, उसके द्वारा बताया गया कि मुझे शराब नहीं मिली थी तो इसकी वजह से परेशान था वो, आज उसने पी ली तो टंकी से चढ़ गया, घर में लड़ाई दंगा हुआ होगा किसी बात को लेकर, तो समझा बुझा कर उतार लिया गया और थोड़ा नशे में भी लग रहा है, नशे की हालत में है तो अधिकारियों को बताया गया। अभी परिवार के साथ गया है अपने या कहाँ है? परिवार के साथ भेज दिया गया।